हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से केवल 3.7 वोल्ट, कम से कम 3-4 वोल्ट से आप एक मिनी इन्वर्टर कैसे तैयार कर सकते हैं, उसी बारे में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसे इस सर्किट को तैयार किया हुआ है, और यह दोस्तों जो बैटरी है देख सकते हैं दोस्तों, यह बैटरी जो है तो 3.7 वोल्ट की बैटरी दोस्तों मैंने यूज किया हुआ है। और कुछ कंपोनेंट्स दोस्तों, दो ट्रांजिस्टर और एक रेजिस्टेंस और एक पीएफ दोस्तों मैंने यूज करके, और एक 606 एक एम्पियर का जो है ट्रांसफार्मर दोस्तों यूज करके, और मैंने दोस्तों इन्वर्टर तैयार किया हुआ है। इसी प्रकार से आप अपने घर पर भी एक छोटा सा इन्वर्टर जो है तैयार कर सकते हैं, जिसे आप लगभग 3-4 वोल्ट की बैटरी से दोस्तों इसे चला सकते हैं। तो आपको सबसे दोस्तों मैं आपको चालू करके दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों मैं इसे सप्लाई दूंगा, देखिएगा, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा इन्वर्टर जो है तो काम कर रहा है। और जैसे दोस्तों मैं इसे निकाल दूंगा तो देखिएगा, ये देखिएगा दोस्तों, ये हमारा जो है बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, ये देखिएगा। तो इसे दोस्तों आपको कैसे बनाना है इस सर्किट को, तो आपको एक 3.7 वोल्ट का जो बैटरी है इसे लेना पड़ेगा, और मार्केट में आपको करीब दोस्तों 50-60 रुपए का यह मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों एक ट्रांजिस्टर KTN 2222 जो कि एक NPN ट्रांजिस्टर है, और इसका दोस्तों फर्स्ट वाला पॉइंट जो है अमीटर, बीच वाला 20 बेस, और थर्ड वाला पिन दोस्तों आपका कलेक्टर है। और एक दूसरा ट्रांजिस्टर जो है आपको लेना पड़ेगा, ये देखिएगा, BC136 जो कि एक दोस्तों PNP ट्रांजिस्टर है, और इसका जो तीसरा पॉइंट है बेस है, बीच वाला पॉइंट दोस्तों कलेक्टर है, और ये फर्स्ट वाला पॉइंट अमीटर है। तो दोस्तों आपको BC136 जो कि एक PNP ट्रांजिस्टर है, एक 3.7 वोल्ट की बैटरी, एक 2222 दोस्तों NPN ट्रांजिस्टर, और आपको दोस्तों 37 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस चाहिए होगा, और आपको दोस्तों एक ट्रांसफार्मर जो है करीब 606 भी ले सकते हैं दोस्तों, और लेकिन याद रखिएगा एम्पियर जो है आपको कम से कम 1-2 एम्पियर दोस्तों आपको 606 में लेना पड़ेगा। और आप दोस्तों इन्वर्टर कैसे तैयार करेंगे, तो दोस्तों देखिएगा, तो आप देखेंगे कि मैंने दोस्तों इसे कैसे तैयार किया हुआ है। तो नज़दीक से दोस्तों देखिएगा, ये हमारा जो BC136 जो कि PNP ट्रांजिस्टर है, इसके अमीटर से दोस्तों मैंने 37 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है, देख सकते हैं। और इसका जो बेस है, इसका बेस दोस्तों मैंने इस 2222 ए के कलेक्टर से जोड़ा हुआ है दोस्तों, देखिएगा। आपको भी इस प्रकार से सर्किट तैयार करना होगा। और ये जो हमारा बीच वाला पॉइंट है इसका दोस्तों, यह बेस है, और इसका बेस हमने ये रेजिस्टेंस वाले पॉइंट से जोड़ा हुआ है, और इससे दोस्तों हमने एक, ये देख सकते हैं जो पीएफ है दोस्तों 104J 100 वोल्ट, ये आपको टेलीविजन DTH सप्लाई में दोस्तों आराम से मिल जाएगा, इसे आप निकाल सकते हैं। और इसका एक पॉइंट जो है तो हमें इसके कलेक्टर से, ये BC136 जो है ट्रांजिस्टर, इसके कलेक्टर से हमें ज्वाइंट कर देना होगा। और दोस्तों हमारा सर्किट बहुत ही सिंपल है, जिसे आप तैयार कर सकते हैं। और इसके बाद जो है BC136 वाला जो ट्रांजिस्टर है, इसका आपका कलेक्टर, और दोस्तों ये अमीटर 2222 ए ट्रांजिस्टर जो NPN ट्रांजिस्टर, इसका अमीटर, इसमें दोनों हमें दोस्तों ये जो ट्रांसफार्म 606 का ट्रांसफार्मर है इसका दोस्तों हमें कनेक्शन करना होगा, देखिएगा। और जो हमारा बैटरी का वायर है, तो एक दोस्तों हमारा जो अमीटर है 2222 ए का अमीटर है, उसमें हमें ये बैटरी का ग्राउंड दोस्तों निगेटिव पॉइंट सोल्ड करना है, और ये जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट सोल्ड करना है दोस्तों, पॉजिटिव पॉइंट हम इस BC136 PNP ट्रांजिस्टर के अमीटर पर सोल्ड कर देंगे। दोस्तों देख सकते हैं इसका अमीटर है, बेस, कलेक्टर और अमीटर। और दोस्तों हमारा सिंपल सा एक इन्वर्टर सर्किट जो है 3-4 वोल्ट के बीच दोस्तों चलने वाले बैटरी से आप इसे तैयार कर सकते हैं, और CFL वगैरह दोस्तों इसमें से जला सकते हैं। दोस्तों बहुत ही छोटा सर्किट है, जिसे आप अपने घर पर ही तैयार कर सकती हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों नमस्कार।